सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि भारत में अंग्रेज कैसे आया, ठीक है, मतलब उसका आगमन के बारे में सुन लो, जस्ट लाइक एक स्टोरी जैसा है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ताकि तुम लोग जो समझ सकती हो, ठीक है। अब तुम लोग को ये नहीं ना पता है कि अंग्रेज का आगमन कैसे हुआ, अंग्रेज क्या करने आया था यहाँ, ऐसा ही नहीं ना कि पूरा दल बदल के साथ आया अंग्रेज और अंग्रेज आकर क्या कर दिया, मतलब हमारे देश में स्थापित हो गया, ऐसा नहीं ना था, किसी बहाने से आया होगा, कुछ छोटा छोटा काम को लेकर आया होगा। तो उस काम को लेकर सबसे पहला इसमें क्या कहता है हमारा कि यूरोपीय कंपनी के बीच का संघर्ष होता था, यूरोप कंपनी, तो ठीक है ना, यहाँ पर यूरोपीय कंपनी, ठीक है, यूरोपीय कंपनी होता था। ये यूरोपीय कंपनी में जैसे तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारा कि जो फ्रांसीसी संघर्ष था उन लोगों के बीच में क्या था, संघर्ष होता था फ्रांसीसी के बीच में, समझ में आ गया ना। तो फ्रांसीसी के बीच में जो संघर्ष होता था, तो उस संघर्ष में जैसे मतलब कि हमारा फ्रांसीसी संघर्ष में भारत अपने आने वाली यूरोपीय कंपनी में जैसे पुर्तगाली और डच कंपनियां, तो पहले में क्या था आपका पुर्तगाली, क्या था पुर्तगाली और डच कंपनी, ठीक है ना, पुर्तगाली और डच कंपनी क्या था उस वक्त हमारे देश में क्या करता था, व्यापारिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के में पहले ही परास्त हो गया था, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या था, यूरोपीय जो कंपनी थी, पुर्तगाली जो कंपनी था, आपस में क्या हुआ, मतलब दोनों में बहुत ही संघर्ष चलता था, जिस वजह से क्या था, ये दोनों पहले ही मतलब राजनीतिक और व्यापारिक तौर पर क्या था, समाप्त हो गया था। वहीं डेनिश कंपनी जो था, डेनिश कंपनी, ठीक है, तो डेनिश कंपनी जैसे अब चीज़ जैसे अब देखो हम लोग बुक से चलते हैं, बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे कहा गया क्या कि भारत आने वाली पुर्तगाल यूरोपीय कंपनी, ठीक है, यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली और डच कंपनी है, जहाँ व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही क्या हुई थी, परास्त हो गई थी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि यूरोप का जो कंपनी था आपका, यूरोप का, यहाँ का कंपनी नहीं, यूरोप का कंपनी, ठीक है ना, तो यूरोप का कंपनी में क्या था कि व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि दोनों के बीच में क्या था, डच और पुर्तगाली के बीच, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, राजनीतिक और व्यापारिक क्या था, दोनों में कंपटीशन चलता था, ठीक है ना, कंपटीशन चलता था दोनों में, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ कि डेनिश कंपनी जो था 1745 तक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई, मतलब कि यहाँ पर जो पुर्तगाली और डच कंपनी जो था और डेनिश कंपनी जो था 1745 तक, ठीक है, 1745 तक क्या हुआ, ये कंपनी जो था 1745 तक ये कंपनी अपना सारा मतलब डच कंपनी, कौन सा डच कंपनी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, डच कंपनी जो था वो क्या किया, सारा चीज बेच दिया, किसके, ब्रिटिश के हाथ में, अंग्रेज के हाथ में, यहाँ हमारा हिंदुस्तान था और इसमें क्या था, अंग्रेज को सारा चीज बेच दिया और ये डच कंपनी वापस चला गया अपना देश, ठीक है, वापस जब देश चला गया, अपना देश जब चला गया, तो हम मतलब कि तो क्या बचा, एक डेनिश तो डच तो चला गया हमारे पास से, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है यहाँ कि अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियाँ ही भारत के प्रमुख व्यापारी कंपनियाँ थी जिसके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार था, यानी कि दो चीज, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी, बचा कौन आपका, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी, यही दो क्या था, भारत में बच गया एकमात्र, समझ गए, यही चीज बच गया। अब मान लो कि तीन आदमी है, तीन आदमी में ए बी सी है, जिसमें से ए क्या किया, बी और सी को बेच के चला गया, तो बचा दो ही ना लोग, बी और सी बचेगा, तो वो क्या करेगा, वो क्या किया, इन दोनों का ही रह गया ब्रिटिश और फ्रेंच में, क्लियर। अच्छा, तो अब प्रश्न है कि अंग्रेज हमारे देश में आया था, अंग्रेज शासन किया, यानी कि फ्रेंच तो नहीं ना था उसमें, तो फ्रेंच नहीं रहेगा, यानी कि फ्रेंच को हटना पड़ा होगा, ठीक है। तो कहता है क्या, यहाँ की फ्रेंच कंपनियाँ भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियाँ थी जिसके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार था, अतः दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। अब है क्या कि यहाँ पर बाबू सुनो, ब्रिटिश सुन रही हो, ब्रिटिश एंड फ्रेंच,
ये ब्रिटिश और एंड फ्रेंच जो था आपका ब्रिटिश फ्रेंच, इन दोनों के बीच में व्यापारिक और राजनीतिक कंपटीशन बढ़ गया दोनों के बीच में, समझ में आ गया, दोनों के बीच में हो गया। तो जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन प्रतिस्पर्धा दोनों में बढ़ गया, ठीक है, बढ़ने के बाद क्या कहता है कि दोनों कंपनियां प्रतिस्पर्धा राजनीतिक संबंध होना स्वाभाविक था। इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियों के मध्य तीन युद्ध हुआ। अच्छा, तो अब इन दोनों कंपनियों के बीच तीन युद्ध होता है, पहला लड़ाई, दूसरा लड़ाई और तीसरा लड़ाई, यानी कि कर्नाटक का पहला फर्स्ट वॉर कर्नाटक, यानी कि सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटका एंड थर्ड वॉर ऑफ द कर्नाटका, यानी कि तीन लड़ाई चला, कर्नाटक और कर्नाटक का लड़ाई चला, जिसमें क्या हुआ कि लास्ट में आपका ब्रिटिश और फ्रेंच में, फ्रेंच क्या हुआ हार गया, पराजित हो गया, और फ्रेंच क्या हुआ वहां से चला गया। तो हमारा किसका एक अधिकार बच गया, नहीं ब्रिटिश ओनली, केवल ब्रिटिश का बचेगा, समझ गए ना। अब सुनो, कोई तुम लोग से कहता है सिंपल सा बात कि बताइए हमारे देश में अंग्रेज का आगमन कैसे हुआ, सिंपल सी बात है। अरे तो अंग्रेज का आगमन हुआ तो ऐसा नहीं रहता कि अंग्रेज एकाएक आ गया उठ के, सारा अंग्रेज आ गया उठकर हमारे देश में शासन कर लिया, ऐसा तो नहीं था। किसी वजह से, किसी कारण से छोटा 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 देश में प्रवेश किया, कोई वजह प्रवेश किया, तो क्या वजह था, क्या कारण था, इसके पीछे किसका हाथ था। ये जो शुरुआती दौर चला हमारे देश में अंग्रेज का आने का, वो यही था यूरोपीय कंपनी के माध्यम से। अगर मान लो कि हमको कहीं देश पर कब्जा करना है तो हम डायरेक्ट दबल के साथ चल रहे हैं कब्जा करने, नहीं, क्या करेंगे, बहाने से जाएंगे, ये बेचने जाएंगे, कुछ सामान बेचने जाएंगे, कहेंगे लीजिए हमारे देश का है तो हमको ये करने के लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, तो पहले एक जगह मांगेंगे, उसके बाद दूसरा जगह मांगेंगे, उसके बाद तीसरा जगह मांगेंगे, धीरे धीरे करते 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 हम पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में आया था, बात समझ गए। तो भाई देखिए, तो सबसे पहला तीन चीज़ हुआ इसमें, क्या क्या हुआ इसमें तीन बाबू, सबसे पहला तीन इम्पोर्टेंट क्या काम आया इसमें, सबसे पहले तीन आया इसमें, ये इस चीज़ का आया कि पुर्तगाली और डच कंपनी और डेनिश, ये तीन था जिसमें से डेनिश चला गया। तो आपका क्या बचा, हमारा ब्रिटिश और फ्रेंच बचा। तो ब्रिटिश और फ्रेंच जब बचा तो इन दोनों के बीच में व्यापारिक बिजनेस के तौर पर और राजनीतिक पॉलिटिक्स, आपस में राजनीति कैसे शासन किया जाता है उसमें पॉलिटिक्स हुआ दोनों के बीच में। ये कहता था कुछ और, वो कहता था कुछ और, उसका बिजनेस का प्रोटोकॉल कुछ और था, इसका बिजनेस का प्रोटोकॉल का कुछ अपना रूल था, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जब ऐसा हुआ तो दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ते 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 एक लड़ाई का रूप ले लिया, जिसमें कर्नाटक युद्ध फर्स्ट आया, कर्नाटक युद्ध सेकेंड आया, कर्नाटक वॉर थर्ड आया, समझ में आया। ये अंग्रेजों का आने का पहला दौर था, शुरुआती दौर, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। देखो तो पहला जो युद्ध चला, तीन कर्नाटक का युद्ध हुआ, तो इन तीनों कर्नाटक के युद्ध में आपका कैसे कैसे घटित हुआ, ठीक है ना, कैसे कैसे घटित हुआ ये चीज बताते हैं हम लोग। देखो बाबू, ठीक है ना, तो पहला कर्नाटक का याद रखिएगा। देखो ये जल्दी किसी को याद होता नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, हिस्ट्री है, इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, तो ये सब जल्दी किसी को याद होता नहीं है, लेकिन इसको दिमाग में अटाया जाता है, रोका जाता है। मान लो कि जैसे हाथ में हम पानी लिए, हाथ में पानी ले लिए और वहाँ तक हमको ले जाना है, तो कोशिश करेंगे ना भाई कि हमको पानी स्टोर हो हाथ में, पहले लिए गिर गया पानी, तो नहीं, अब थोड़ा और टाइट करेंगे और अच्छा से इसको इस तरह से पैकिंग करेंगे, तो उसको चुल्लू में लेंगे अच्छा से और घर के जल्दी से ले आके आपको पी लेंगे या गिरा देंगे कहीं, होता है ना। तो उसी तरह हिस्ट्री जो है आपको ये डेट सारा ये इम्पोर्टेंट होता है बाबू, याद करने का होता है, बस समझ रही है। तो पहला देखो, पहला कर्नाटक युद्ध जो था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब सुनो इसमें एक होता है कि कर्नाटक युद्ध में आपका डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है, डेट, किसी भी चीज का डेट, डेट का मतलब, वजन, तारीख, डेट का मतलब तारीख, जैसे हमारा देश का बजट हुआ 15 अगस्त 1947, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950,
लागू हुआ था, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट डेट होता है, तो याद रखिएगा कि पहला कर्नाटक युद्ध जो था हमारा 1746 से लेकर 1748 याद रखिएगा। ये इस कर्नाटक युद्ध में एक डेट इम्पॉर्टेंट दिया गया, जब अंग्रेज का आने का दौर हमको याद है ना। तुम जैसे मान लो कि तुम अगला साल जाओगे कहीं बाहर, तो कहोगे ना कि हाँ इस डेट को हम घूमने गए थे, बाहर गए थे, या इस डेट को चिड़ियाघर गए थे, या इस डेट को दिल्ली गए, इंडिया गेट पर जाके वहाँ समोसा खाए, इस तरह का डेट होता है ना। फिर सब लोग याद रखते हैं ना, है एक बात कर रहे समझने के लिए, याद करने के लिए, डेट ऐसी याद होता है। तो याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि पहला कर्नाटक युद्ध जो था आपका 1746 से लेकर 1748 के बीच में घटित हुआ। डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछता है ये चीज, ठीक है ना, कि कर्नाटक का युद्ध कब है। तो भाई 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ, हुआ ना। तो ये सारा चीज याद रखना है, लेकिन इसके बीच में हुआ क्या कर्नाटक युद्ध में। तो सबसे पहला कहता है क्या, इसको इस कर्नाटक इस युद्ध को क्या बोला गया आपका, सेंट टोमे का युद्ध, ठीक है ना। सेंट टोमे का युद्ध, ठीक है, सेंट टोमे का युद्ध, ठीक है, सेंट टोमे का युद्ध, ये नाम है। अब किसी का नाम है तो सेंट टोमे का युद्ध का है, कुछ नहीं, नाम याद रखिए, पहले तो याद करोगे तब ना उस पर एनालाइज करेंगे हम लोग कि हाँ सर क्या था सेंट टोमे का, ऐसा था। पहले हम लोग खाना खाते हैं ना, तब एनालाइज करते हैं कि क्या इसमें मिक्स था, हल्दी था मिक्स, कि मिर्चा था, कि चीनी था, कि नमक था, कि बिना खाए हुए ही एनालिसिस करने लगेंगे। नहीं, पहले खा लो, भर पेट खा लेते हैं, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि इसमें चीनी डाले थे कि मीठा डाल के बनाए थे। बात समझ में आ गया। तो ये चीज है, तो सेंट टोमे का युद्ध इसको हम लोग कहते हैं कि इसका पहला कर्नाटक का युद्ध, जो अंग्रेज का आने का पहला आगमन का एक स्रोत था, एक जरिया था, जिसमें दो कंपनी, आपका कौन सा कंपनी था बाबू, ब्रिटिश और फ्रेंच, इन दोनों के बीच लड़ाई चला था। पहला लड़ाई कर्नाटक का युद्ध 1746 से लेके 1748 के बीच में हुआ। क्लियर, हाँ या ना भी जवाब दिया करो, समझ। यस सर। बोलो बाबू। यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यूरोप में दो शक्ति था, फ्रांस और ब्रिटेन। सुनो बाबू, यूरोप में दो शक्ति, यूरोप का दो महाशक्ति, ठीक है ना, यूरोप का दो महाशक्ति, क्लियर। क्या था बाबू यूरोप का दो महाशक्ति, फ्रांस और ब्रिटेन। तो दो महाशक्ति याद रखिएगा, फ्रांस एंड ब्रिटेन, क्लियर, ब्रिटेन। अब कहोगी सर फ्रांस और ब्रिटेन का क्या, अभी देखो तो भारत में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश कौन, फ्रांस है। यूक्रेन की लड़ाई चल रहा है अभी तक, तो फ्रांस है आपका। नाटो है, शक्तिशाली में आता है, लेकिन रूस से भी सब देश डरता है, ज़्यादा उसे पंगा लेने का कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मिसाइल हथियार उसके पास ज़्यादा है। बात समझ में आ गया ना, क्लियर। तो ये चीज़ है, बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इंडिया भी है, हमारा देश इंडिया भी है शक्तिशाली देश में, ठीक है ना, लेकिन ये इसका मैत्रीपूर्ण सबसे है, मैत्री हमारा देश सबसे अच्छा कि सभी देशों से मिलकर रहता है, बात विचार सोचने का कैपेसिटी अच्छा है, मतलब हमारा देश जो है अभी अलग है इन सभी लड़ाई से, युद्ध रूस और यूक्रेन से जो हो रहा है अभी लड़ाई, हमारा देश उससे अलग है, ठीक है ना। लेकिन रूस के साथ क्या है, दोस्ती बहुत अच्छा है हमारा इंडिया का, क्लियर। तो ये चीज़ है बाबू, समझी। तो सबसे पहला यूरोप की दो महाशक्ति था, फ्रांस और ब्रिटेन, क्लियर। कहता है कि फ्रांस और ब्रिटेन में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध से ही तैयार हो गया था, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था पहले से, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का के लिए युद्ध हो रहा था, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हो रहा था, क्लियर। तो सबसे पहले यूरोप की दो महाशक्ति में आप आ गया, आपका फ्रांस आ गया, ब्रिटिश आ गया, ब्रिटेन आ गया, और इन दोनों के बीच में पहले भी ऑस्ट्रिया से लड़ाई चलने के लिए क्या चल रहा था, इन लोग का बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वो कर्नाटक का वर्ल्ड वार पढ़ लेंगे, उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे क्या इसमें सीखी।
ठीक है, लड़ाई चला जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। अब देखिए भारत पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारा भारत पृथ्वी से अलग नहीं है, उसी देश से है, हर एक देश से हमारा ट्रांसपोर्ट है, इम्पोर्ट है, ये सारा चीज़ होता है, क्लियर ना। अगर मान लीजिए कि अगर उस रोड पे अगर रोड जाम है तो इधर भी ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ट्रैफिक इधर भी तो होगा ना, जाम लग जाएगा, क्या हो रहा है तो उस रोड में चौराहे पे सर जाम था रोड का। अगर देखती हो बाहर में दिल्ली में बारिश बरसता है तो हमारे बिहार में क्या होता है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, जैसे अभी देखो, या अगल बगल पड़ोसी मुल्क में अगर क्या होता है, पड़ोसी राज्य में मौसम डिस्टर्ब होता है तो हमारे यहाँ भी असर पड़ता है, पड़ता है ना। उसी तरह इन दोनों के बीच में जब ऑस्ट्रिया का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें क्या हुआ, हमारा असर भी हमारे भारत देश पर भी पड़ा। किसके बीच में लड़ाई, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो लड़ाई चल रहा था, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए क्या हुआ कि पहला कर्नाटक युद्ध जो प्रारंभ किया गया ना, एक कारण था, कारण बेवजह कारण, कारण होता है ना रीजन, रीजन वो रीजन क्या था, एक एग्जांपल में देके समझाते हैं। आजकल का डेट का क्या कंडीशन है, दो बच्चा बॉल खेल रहा था, बॉल पड़ोसी के घर पर चल गया, अब दोनों का माई बाप आके लड़ लिया आपस में। मतलब मान लो कि कोई बच्चा बॉल फेंक दिया, उसके घर में चला गया, ए तुम्हारा बॉल इधर कैसे आ गया, अब वो क्या करेगा, उसका गार्जियन आएगा इधर आके गार्जियन से लड़ा कि आपके बच्चे का बॉल आ गया, उसका छोड़ दो, अभी घर में चूल्हा जुड़ेगा ना तो इसका धुआं उसके घर में जाएगा, तो क्या धुआं आ रहा है तुम्हारे घर में, बस लड़ लेगा आपसे में। तो लड़ लेगा, तो कारण हो गया लड़ाई का। उसी तरह यहाँ पर क्या था हमारा इसमें फ्रांस और ब्रिटेन में जो लड़ा था, इसे कारण था, वजह था, वो वजह क्या था बाबू सुन लो। एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट, याद रखिएगा, एक अंग्रेज अधिकारी बहुत बदमाश था ये, ठीक है ना, अधिकारी, क्या नाम था इसका, कैप्टन बॉर्नेट, क्या था नाम बाबू, कैप्टन बॉर्नेट, ठीक है ना, कैप्टन बॉर्नेट नाम था। तो ये क्या किया, बहुत चालाक बन रहा था, ठीक है, आया आनंद फानंद में, सोचा कि हमारा तो शासन हो जाएगा, अंग्रेज था, आया तो क्या किया, ये आकर सीधा आकर क्या करता है सुन लो, ये करता क्या है, फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लिया, ले इसका अधिकारी आके एक घर में एंट्री मार गया, इसका जहाजे के पकड़ लिया, लड़ाई तो होना स्वाभाविक था, लड़ाई होना स्वाभाविक था ना। अगर मान लो कि तुम्हारा साइकिल लेके ही जा रही है, आई जाके पकड़ लिया साइकिल, तो लड़ने ना करोगे आपको इससे, मेरा साइकिल काहे ले लिया, ठीक है ना। तो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट साहब जो थे वो क्या किए, ज़्यादा होशियार बन गए, आ जाके फ्रांस का जहाज को पकड़ लिए, ठीक है। अब फ्रांस के जहाज को जब पकड़ा गया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ड्यूप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डेने की सहायता से मद्रास को जीत लिया, ठीक है ना। अब सुनो, एक गवर्नर था जिसका नाम था बर्डोने, ठीक है ना, गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर, यहाँ लिख रहे हैं बाबू, फ्रांसीसी गवर्नर, क्या नाम था उसका, ला बर्नाडो, ठीक है। अब सुनो, इसमें दो नाम आया, एक था बर्नेट, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश अधिकारी था बर्नेट, दूसरा ला बर्नाडो आ गया, ठीक है ना। वो बर्नाडो साहब क्या किए सुन लीजिए, ड्यूप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बर्नाडो की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से ड्यूप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी, हालांकि हस्तक्षेप के बाद ड्यूप्ले ने घेरा नहीं छोड़ा। अब सुन लो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मिटा रहे, समझिएगा, लिसन, देखिए सुनो बाबू, सबसे पहला क्या था, कर्नाटक का युद्ध 1748 में हुआ, ठीक है, 1748 में आपका ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। फिर इसमें क्या हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका बर्नेटो नाम था, उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के एक जहाज को कैप्चर कर लिया, जिस वजह से फ्रांस का गुस्सा बढ़ गया और लड़ाई का वजह बना, युद्ध का वजह। सेकेंड क्या हुआ, इसमें ड्यूप्ले, एक मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर,
ड्यूप्ले गवर्नर थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या हुआ कि मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बर्नेडो की सहायता से, मतलब कि ला बर्नेडो ने क्या किया कि मद्रास पर अटैक किया, ला बर्नेडो क्या किया मद्रास पर अटैक कर गए। अटैक करने के बाद क्या हुआ कि मद्रास को जीत लिया गया, ठीक है ना, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बर्नेडो की सहायता मद्रास को जीत लिया गया। तो अंग्रेज क्या हुआ, अंग्रेज को खलबली मच गया, अंग्रेज डरने लगा कि हमारा भाई अब हम कैसे जीते, वो लोग उधर से सेना को लाया है, बर्नेडो क्या किया कि मद्रास को जीत लिया है, ठीक है ना, किसका, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बर्नेडो क्या मद्रास को जीत लिया। तो ये क्या किया कि अंग्रेज ने कर्नाटक के नवाब, वहाँ का जैसे मान लो कि बाहर से अंग्रेज आया तो यहाँ पर किसी का राज चलता था ना पहले इस राज्य में, कोई तो मुखिया होगा ना यहाँ का, तो कर्नाटक का पहले का जो मुखिया था, बाबू सुनो, जिसका नवाब, किसका नाम था क्या, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से ड्यूप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी, ठीक है ना, अंग्रेज ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से ड्यूप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी, लेकिन ड्यूप्ले मानने वाला कहाँ थे, सुन रही हो, ड्यूप्ले मानने वाला कहाँ थे, उन्होंने मद्रास को नहीं छोड़ा और उसको अंततः जीत लिया गया, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे या इस किसी विदेशी सेना की पहली विजय थी, इस विजय का मुख्य कारण था फ्रांसीसियों का तोपखाना। अब सुनो बाबू, इसमें फ्रांस और ब्रिटिश जो लड़ाई चला दोनों में, जो लड़ाई चला, ठीक है ना, सुन रहे बाबू, जो लड़ाई चला फ्रांस और ब्रिटिश, इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ जिसमें क्या हुआ, फ्रांस आपका जीत गया, क्यों, क्योंकि इसके पास तोप था, तोप खाना था, और तोप के सामने तो भाई इससे कम वाला जो योद्धा होगा, तलवारबाजी वाला जो योद्धा होगा या छोटा छोटा बंदूक वाला जो होगा, अंग्रेज के पास भी था गोली हथियार था लेकिन तोप नहीं था, ठीक है, सब तोप से नहीं, फ्रांस के पास तोप खाना था, जिस वजह से क्या था फ्रांस जीत लिया था, क्लियर, कोई वजह था उसका, अच्छा ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध समाप्ति के बाद हुआ, एक्सलो लेसैपल की संधि 1748 में हुआ। सुनो, ये युद्ध जो था ना लास्ट में समाप्त हुआ, क्या हुआ बाबू, ये युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है ना, एक्सलो सैपल की संधि, एक्सलो सैपल की संधि के द्वारा क्या हुआ 1748 में ये युद्ध समाप्त किया गया, ठीक है ना, ये समाप्त हुआ जिसमें क्या हुआ, कर्नाटक का युद्ध का कोई तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो इस युद्ध में फ्रांसीसी को कोई लाभ हुआ और ना ही अंग्रेजों को, इस युद्ध में ना तो अंग्रेज को फायदा हुआ, ना ही अंग्रेज को फायदा हुआ और ना ही फ्रांस को कोई फायदा हुआ, दोनों में किसी को फायदा नहीं हुआ, ठीक है, फायदा नहीं हुआ, परंतु इस युद्ध में भारतीय राजाओं को कमजोरियों का उजागर कर दिया गया, मतलब सुनो, अब सुन लो बाबू, तुम आई अंग्रेज के तरफ से, तुम आई फ्रांस के तरफ से, और ये है इंडिया, आई ये लड़का इंडिया है, ठीक है ना, अब दो तुम दोनों आके इसके देश में लड़ाई की, तो तुम दोनों लड़ाई की, तो तुम दोनों भीषण लड़ाई की, ना तो तुमको जीत हुआ ना इसका जीत हुआ, ना नुकसान तो दोनों का हो गया, दोनों में कोई नहीं जब, लेकिन तुम दोनों का लड़ाई देख के जहाँ तुम लड़ रही थी ना, वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट था वो डर गया, बोला कि बाप रे कहाँ से लेते, दोनों के बीच में हम तो लसरा जाएंगे, हमको तो लड़ना नहीं है, तो ये का किया साइड हो गया, तो तुम दोनों लड़ी तो लड़ी लेकिन नाप ली तुम कि ओ ये कमजोर पार्टी है, इस पर कब्जा कर लेंगे तो हमको बहुत फायदा होगा, समझ गए, तो वही बात हुआ इंडिया के साथ, मतलब कि दोनों लड़ा फ्रांसीसी और ब्रिटिश लड़ा, लेकिन दोनों समझ गया कि ओ इंडिया कमजोर पार्टी है, इसको आसानी से कब्जा किया जा सकता है, ठीक है ना, ये था उस वक्त का कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे, सेकेंड वार ऑफ कर्नाटका, क्लियर, ये समझ में आया, ओके, कोई दिक्कत, पक्का बोलो कस के, नहीं सर, वेरी गुड गुड, ओके, नेक्स्ट हम लोग कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे, सेकेंड वार ऑफ द कर्नाटका।